नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बी आर टेक यूट्यूब चैनल पर। आशा कर रहा हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। देखिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो फ्री सिलाई मशीन योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म थे वो शुरू हो गए हैं, तो उसके लिए किस तरीके से आपको एप्लीकेशन भरना होता है, क्या कंप्लीट स्टेप रहता है, कौन कौन इसके लिए फिलअप कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट आपको प्रोसीजर को बताएंगे और सब कुछ आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे शानदार वीडियोज आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है जिसका URL है pmvishwakarma.gov.in। इस वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो इसका इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। अब आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। उससे पहले आप जान लीजिए इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहेगी, आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, यानी कि आपकी 18 या 18 से प्लस है तो आप इसके लिए एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब आपको अपना एप्लीकेशन किस तरीके से फिलअप करना है। एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर दिखेगा लॉगिन का बटन, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको नंबर एक पे पहले तो दिख रहा है एप्लीकेंट लॉगिन का, आप यहाँ से लॉगिन करने का या एप्लीकेशन फिलअप करने का ट्राई करेंगे तो वहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आप CSC के थ्रू यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई नियरेस्ट CSC सेंटर जाना होगा या आप अगर CSC संचालक है। तो चलिए देखते हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पर सेकेंड नंबर पे दिख रहा है CSC लॉगिन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहले वाला आपको है व्यू ईश्रम डाटा, और दूसरा रजिस्टर आर्टिसंस, और थर्ड है आपका MIS लॉगिन। तो आप यहाँ पर अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो आपको सेकंड नंबर पे क्लिक कर देना है। अब आपको अपनी CSC ID पासवर्ड से यहाँ पर साइन इन करना होगा। अब जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा रजिस्टर नाउ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है इज देयर एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉई विद इन योर फैमिली, मतलब आपके फैमिली मेंबर में कोई भी यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपने कोई यहाँ पर लोन फैसिलिटी जो कि जैसे कि PMEGP या यहाँ पर जो PM स्वनिधि या मुद्रा, यहाँ पर इसके थ्रू कोई भी लोन लिया है तो यस करेंगे, अगर लिया है, अगर नहीं लिया है तो नो कर देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आधार वेरिफिकेशन की टैब खुल जाएगी, यहाँ पर आपके आधार से लिंक जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे, और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करके जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा सेम इसी तरीके से यहाँ पर एंटर करना है, और यहाँ पर टिक मार्क करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया होगा जो कि आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने आधार वेरिफिकेशन का फिर से टैब खुलेगा, यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर शो करेगा। अब आपको यहाँ पर फिर से टिक मार्क कर देना है और वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आपका बायोमेट्रिक यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपके सामने इस तरीके से एप्लीकेशन पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे हमारा आधार कार्ड से हमारा नाम, हमारे पिताजी का नाम और हमारी DOB यहाँ पर ले लेगा। अब हमें यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर सेलेक्ट करना है, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड करेंगे, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड कर देंगे। जेंडर आपका अपने आप ही ले लेगा। अब आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर चुननी है, जो भी आपकी जनरल OBC SC ST आती है तो आप यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे दिव्यांगजन, यानी कि अगर आप दिव्यांगजन व्यक्ति हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो रहने देंगे, अगर यस करेंगे तो आपको यहाँ पर दिव्यांगजन टाइप भी सेलेक्ट करना होगा। अब इसके बाद पूछा जा रहा है आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट, मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो सेम स्टेट में कर रहे हैं तो इसे आप यस कर देंगे। और इसके बाद पूछा जा रहा है आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो सेम डिस्ट्रिक्ट में ही कर रहे हैं तो इसे भी हम यस कर देंगे। अगर आप माइनॉरिटी से आते हैं तो इसे आप यस करेंगे, अदरवाइज नो ही रहने देंगे। अब आगे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल दिखेगी जिसमें कि हमारा मोबाइल नंबर अपने आप ही यहाँ पर ले लेगा और आधार नंबर भी हमारा अपने आप ले लेगा। आप अगर अपना पैन कार्ड नंबर देना चाहें तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर फैमिली डिटेल्स में देखेंगे तो यहाँ पर अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो आपके आधार कार्ड से आपका राशन कार्ड का नंबर अपने आप ही फैच हो जाएगा और आपको यहाँ पर शो करने लग जाएगा। इसके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर फैमिली मेंबर डिटेल्स में हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे हमारा राशन कार्ड से इन्होंने सारा जो हमारी फैमिली मेंबर की डिटेल थी वो सारी यहाँ पर उठा ली है। अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है या आपका राशन कार्ड आधार कार्ड से फैच नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऐड रो का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करके अपने जो फैमिली मेंबर है उनको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फैमिली मेंबर देना यहाँ पर जो मैंडेटरी है, बिना फैमिली मेंबर की डिटेल दिए आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फिलअप नहीं कर पाएंगे। अब और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आधार एड्रेस में हमारा जो कंप्लीट एड्रेस है आधार कार्ड वाला वो ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। इसके बाद पूछा जा रहा है जो हमारा करेंट एड्रेस है ये कौन सा है, तो यहाँ पर अगर आपका आधार कार्ड वाला ही एड्रेस है तो आप इसे टिक मार्क कर देंगे, अगर आपका डिफरेंट एड्रेस है तो आप अदर पर क्लिक करेंगे और अपना एड्रेस पूरा यहाँ पर दे देंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आर यू कम अंडर ग्राम पंचायत, यानी कि आप जो है आपको जहां पर रह रहे हैं तो वो ग्राम पंचायत एरिया लगता है या शहरी क्षेत्र लगता है, अगर ग्राम पंचायत एरिया लगता है तो इसे यस करेंगे, अगर नगर पंचायत या टाउनशिप या कुछ भी लगता है तो इसे नो करेंगे। जैसे हमारा ग्राम पंचायत के अंडर आता है तो इसे हम यस कर देंगे। अब इसके बाद आपको अपना ब्लॉक चुन लेना है जो भी आपका ब्लॉक लगता होगा।
अब ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट करनी होगी, और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पर ट्रेड डिटेल अपनी फिलअप करनी होगी। तो ट्रेड डिटेल हमें जैसे यहाँ सिलाई मशीन के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फिल करना है, तो हम ट्रेड नेम पर क्लिक करेंगे और बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे से सेकंड नंबर पर दिखेगा टेलर दर्जी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। सब ट्रेड में आपको कोई भी डिटेल नहीं देना है, ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर जो आपको चेक मार्क दिख रहा है इसको आपको यहाँ पर टिक कर देना है। अब इसके नीचे बिजनेस एड्रेस में आएंगे तो यहाँ पर आपको जो अगर आपका बिजनेस सेम आधार वाले एड्रेस पर ही चल रहा है तो इसे आप टिक मार्क कर देंगे, अगर आपके करंट एड्रेस पर चल रहा है तो इसे आप टिक मार्क करेंगे, अगर इसके अलावा कोई और एड्रेस है तो आप यहाँ पर अदर पर क्लिक करके इसे टिक कर देंगे। अब आप सेव कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पर सेकेंड स्टेप में पहुंच जाएंगे जिसमें हमें क्रेडिट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन देना है, यानी कि हमारा जो भी हमें पैसा मिलेगा हमारे जो सिलाई मशीन के लिए 15,000 रुपये, वो हमारा इसी एक बैंक अकाउंट में आएगा। तो इसके लिए हमें अपने सेविंग बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होगी। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपनी बैंक का नाम सर्च करेंगे, जैसे हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगती है तो इसे हमने इस तरीके से टाइप किया और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा यहाँ पर जो बैंक का नाम आ गया। अब हमें अपनी यहाँ पर बैंक का IFSC कोड यहाँ पर जो एंटर करना होगा, आपको अपनी बैंक का IFSC कोड पता होना चाहिए। IFSC कोड टाइप करके आप यहाँ पर सर्च के आइकन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ ड्रॉप डाउन से आप अपनी यहाँ पर ब्रांच को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर एंटर कर देना है और फिर से कंफर्म अकाउंट नंबर कर देना है। अब इसके आगे आपको यहाँ पर क्रेडिट सपोर्ट वाला यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, यानी कि आपको अगर लोन लेना है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप लेना अभी चाहते हैं तो आप अभी यहाँ पर इस तरीके से टिक मार्क कर देंगे यस, और आप यहाँ पर जो भी डिटेल अपनी देना चाहते हैं लोन के रिगार्डिंग तो दे सकते हैं। अगर आपको नहीं लेना है तो आप इस तरीके से मे बी लेटर पे ही रहने देंगे। अब इसके आगे आपसे पूछा जा रहा है डिजिटल इंसेंटिव डिटेल, कि अगर आप यहाँ पर डिजिटल एक्टिव हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको अपनी UPI ID देनी होगी अगर आप यहाँ पर डिजिटली एक्टिव हैं। इसमें आपको क्या होगा, यू विल गेट 1 रुपीज पर ट्रांजेक्शन अप टू 100 रुपीज पर मंथ, यानी कि आप यहाँ पर जो भी पेमेंट लेंगे अपने कस्टमर से उसमें आपको 1 रुपए पर ट्रांजेक्शन का आपको इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि अप टू मैक्सिमम आपका जो रहेगा 100 रुपए पर मंथ रहेगा। अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं तो यस कर देंगे और UPI ID दे देंगे, अगर नहीं देना चाहते तो इसे नो कर देंगे। अब हम इसे सेव कर देंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर थर्ड नंबर पे पहुंच जाएंगे, स्कीम बेनिफिट इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको यहाँ पर 5 दिन की स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी बेसिक सी, और उसके बाद 15 दिन की आपको यहाँ पर एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके आगे देखते हैं हमें जो बताया गया है, यहाँ पर टूल किट मिलेगी और यहाँ पर बताया जा रहा है वंस यू आर रजिस्टर्ड एंड स्किल ट्रेनिंग सर्टिफाइड यू विल गिवन अ ग्रांट ऑफ ₹15,000, यानी कि जब आप यहाँ पर जो आपकी स्किल है बेसिक और एडवांस क्लियर हो जाएगी तब आपको एक इनकी तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जब आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर 15,000 रुपए दिया जाएगा आपको यहाँ पर सिलाई मशीन खरीदने के लिए, जो कि आपका पैसा है वो आपने अकाउंट नंबर जो दिया है सेविंग बैंक अकाउंट नंबर उस पर ही आपका 15,000 रुपए की जो राशि है वो यहाँ पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब इसके आगे पूछा जा रहा है आप मार्केटिंग सपोर्ट कोई किसी प्रकार का चाहते हैं तो उसे आप यहाँ पर टिक मार्क कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो इसे इस तरीके से सेव कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ पर फोर्थ नंबर डिक्लेरेशन में पहुंच जाएंगे, यहाँ पर इनके द्वारा जो डिक्लेरेशन दी गई है इसे आप यहाँ पर पढ़ लेंगे और आई एग्री के ऑप्शन पर टिक मार्क कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपके यहाँ पर एक एप्लीकेशन आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी। अब आपका यहाँ पर स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है, स्टेप 2 आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब डिपार्टमेंट की तरफ से आपको यहाँ पर कॉल रिसीव होगा जिसमें कि आपका जो भी ट्रेनिंग का प्रोग्राम है वो किस तरीके से कहाँ कंडक्ट होगा, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, वो आपको सब कुछ यहाँ पर डिटेल में बताया जाएगा। और उसके बाद आपकी यहाँ पर 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग और उसके बाद आपकी यहाँ पर एडवांस ट्रेनिंग कंप्लीट होगी और आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपका जो भी धनराशि है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी जिससे कि आप सिलाई मशीन को यहाँ पर खरीद पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से बड़ी आसानी से आप यहाँ पर फ्री सिलाई मशीन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं और आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो वीडियो में जो भी आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया गया है इसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पर एप्लीकेशन अपना फिलअप कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन बताई गई आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है एप्लीकेशन फिलअप करने में या और कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। जितना जल्द से जल्द हो सकेगा हम उस प्रॉब्लम का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना रहेगा, मिलते हैं फिर से किसी शानदार वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।